ये एक हाइपोथेटिकल थर्मामीटर है। ये अपने एग्जिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया है कि आप केल्विन स्केल के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। देखिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए दो बहुत ही पॉपुलर स्केल्स हैं, एक तो है सेल्सियस स्केल और दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। लेकिन इन दोनों में से कोई भी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के स्टैंडर्ड से टेम्परेचर को डिपिक्ट नहीं कर पाता है, रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। एक आम इंसान को, एक वेदर एक्सपर्ट को सेल्सियस स्केल से मतलब हो सकता है, एक डॉक्टर को फ़ारेनहाइट स्केल से मतलब हो सकता है, लेकिन एक फिजिसिस्ट, उसके लिए एक स्पेशल टेम्परेचर स्केल की जरूरत होती है। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस ये नहीं बताता है कि वो मिनिमम टेम्परेचर है, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट भी ये नहीं बताता है कि वो मिनिमम टेम्परेचर है। साथ ही साथ अगर 100 डिग्री सेल्सियस में कुछ इवेंट हो रहा है, मान ले एक गैस का सैंपल रखा हुआ है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में अगर उसका वॉल्यूम कुछ इतना है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 200 डिग्री सेल्सियस में उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये फ़ारेनहाइट स्केल के साथ भी नहीं होता है, लेकिन ये एक स्पेशल स्केल है, केल्विन स्केल। मान ले कि 100 केल्विन में अगर एक गैस का वॉल्यूम कुछ इतना है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, सो मान ले 100 केल्विन में इतना इसका वॉल्यूम है, अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो हम ये पाएंगे, और अमाउंट ऑफ गैस को भी कांस्टेंट रखें, कि 200 केल्विन में इसका जो वॉल्यूम होगा वो डबल हो जाएगा, पिस्टन यहां से यहां पहुंच जाएगा, और ये वॉल्यूम जो है ये डबल हो जाएगा 200 केल्विन में। तो ये स्पेशलिटी है केल्विन स्केल का। सो ये टेम्परेचर का फिजिकल इंटरप्रिटेशन बेहतर दे पाता है। देखिए, केल्विन स्केल, इसकी शुरुआत होती है एब्सोल्यूट जीरो से। एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर कि गैसेस का वॉल्यूम और प्रेशर जीरो हो जाता है। एक गैस सैंपल है, मान ले ये एक पिस्टन है, ये गैस सैंपल है अंदर, अगर हम उसके टेम्परेचर को घटाते जाते हैं, तो इसका वॉल्यूम जो है ये घटते जाएगा, ये पिस्टन नीचे की तरफ आते जाएगा, और साथ ही साथ प्रेशर में भी ड्रॉप होगा। सो टेम्परेचर को घटाते घटाते एक समय ऐसा आएगा कि इसका वॉल्यूम और इसका प्रेशर ये दोनों डिमिनिश कर जाएगा, ये दोनों गायब हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। उस टेम्परेचर को माना जाता है जीरो। कहां पर? ना तो डिग्री सेल्सियस में, ना ही डिग्री फ़ारेनहाइट पे। जीरो क्या? जीरो केल्विन। सो जीरो केल्विन से टेम्परेचर की शुरुआत होती है, और इस जीरो केल्विन को कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये जो जीरो केल्विन है, ये अगर सेल्सियस स्केल के साथ कंपेयर करें, तो ये जीरो केल्विन जो है ये बराबर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस के। तो यहां पर मान लेते हैं, यहां से टेम्परेचर की अगर शुरुआत है, सो दिस पॉइंट इज जीरो केल्विन। सो दिस इज जीरो केल्विन। ये मैं केल्विन स्केल में बात कर रहा हूं, ये जो है ऊपर मैं केल्विन स्केल को लिखूंगा, और नीचे जो है ये मैं डिग्री सेल्सियस स्केल को मैं ड्रॉ करूंगा। तो ये जो है, ये है जीरो केल्विन, यहां पर जीरो केल्विन, बिल्कुल यहां से शुरुआत हो रही है। और यही जो है दिस पॉइंट इज ये जो पॉइंट है, दिस इज नेगेटिव, सेल्सियस स्केल में नेगेटिव 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो पॉइंट होगा यहां पर, इसके बहुत क्लोज ये जो पॉइंट होगा, दिस वन, ये मार्किंग, ये होगा -273 डिग्री सेल्सियस। मैं डिग्री सेल्सियस बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये जो नीचे वाला जो ये है, यहां पर इस जगह पे मैं डिग्री सेल्सियस को ही लिखूंगा। सो ये जो पॉइंट है, ये है 273 -273 डिग्री सेल्सियस, और ये जीरो केल्विन, ये बराबर है -273.15 डिग्री सेल्सियस के। अब इस स्केल को कैसे बनाया जाता है? देखिए, केल्विन स्केल को, सेल्सियस स्केल जो है, इसका जो एक एक ग्रेजुएशन है, केल्विन स्केल में भी एक एक ग्रेजुएशन उसी के बराबर होता है। मतलब क्या है इसका, कि मान ले यहां पर -273 डिग्री सेल्सियस है, और यहां पर ये जो पॉइंट है, ये है
72 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है यहां से लेके यहां तक 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। केल्विन स्केल का जो एक एक ग्रेजुएशन होता है वो भी बिल्कुल इसी के बराबर होता है। ये जो लेंथ है सेम होगा केल्विन स्केल में भी। सो केल्विन स्केल में आप देखें ये जो डिस्टेंस होगा ये सेल्सियस स्केल का 1 डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल में 1 केल्विन का जो डिफरेंस है उसके बराबर होगा। सो ये जो पॉइंट है ये ऑब्वियसली 1 केल्विन होगा, 0 से 1। सिमिलरली आप ये पाएंगे कि ये जो है अब हमें जो पॉइंट मिला यहां पर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट जो है ये बराबर होगा किसके, यहां पर जो है ये 271 नेगेटिव 271 डिग्री सेल्सियस होगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि उतना ही डिफरेंस में हमें यहां पर मिलेगा 2 केल्विन। सो इस तरह से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे एक समय हमें मिलेगा यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस। मैं यहां डॉट लगा देता हूं। सो यहां पर हमें मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस। आप गौर करें यहां से लेके नेगेटिव 273 से लेके 0 तक कितने ग्रेजुएशंस होंगे, 273 ग्रेजुएशंस होंगे। उसके ठीक थोड़ा सा पीछे से शुरू होता है ये केल्विन स्केल। तो इसके थोड़ा सा पीछे तक यहां तक कितने ग्रेजुएशंस होंगे, अगर इसका एक ग्रेजुएशन इसके एक ग्रेजुएशन के बराबर हो तो ऑब्वियसली यहां से लेके नेगेटिव 273 से लेके 0 तक 273 ग्रेजुएशन होंगे। तो यहां 0 से लेके केल्विन स्केल में 0 से लेके इस पॉइंट तक आने में 273 ग्रेजुएशंस होंगे। और यहां पर ये जो 0.15 का गैप है वो गैप आपको यहां पर भी मिलेगा यहां ये। सो दिस पॉइंट इज 273.15 केल्विन। ये केल्विन स्केल की बात करें, ऊपर जो लिख रहे केल्विन स्केल है। सो 0 डिग्री सेल्सियस इज 273.15 केल्विन। इसे भी मैं लिख देता हूं। सो 273.15 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पर मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहता हूं जो कि बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन होता है। वो ये कि जब किसी टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो, सो मान ले कहीं पर कहा गया टेम्परेचर डिफरेंस दो बॉडीज के बीच, ये टेम्परेचर डिफरेंस है 2 डिग्री सेल्सियस का। तो ये दो बॉडीज का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, लेट्स से ये एक बॉडी ये दूसरा बॉडी, ये T1 टेम्परेचर ये T2 टेम्परेचर, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है 2 डिग्री सेल्सियस। तो कितना केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, 2 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस होगा। यहां पर बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस 2 केल्विन के बराबर कैसे है। भाई 2 डिग्री सेल्सियस 2 केल्विन के बराबर नहीं है, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस 2 केल्विन के डिफरेंस के बराबर है। आपके उम्र और आपके भाई का उम्र एज बराबर नहीं है। मान ले आपका उम्र 18 साल, 2 साल बाद आप 20 साल के हो जाएंगे, तो डिफरेंस कितना हुआ 2 साल का। आपके भाई का उम्र मान लेते हैं 15 साल है, 2 साल बाद कितना होगा 17 साल, तो डिफरेंस कितना हुआ, वही 2 साल का हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी उम्र और आपके भाई की उम्र बराबर है। आप समझ रहे हैं बात को, यहां और बेहतर तरीके से हम समझ जाएंगे। यहां पर ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। मैं यहां पर लिख दूं दिस इज 1 डिग्री सेल्सियस। सो 1 डिग्री सेल्सियस। और वही चीज मैं अगर केल्विन स्केल में अप्लाई करता हूं तो आप गौर करें यहां से अगर मैं यहां तक पहुंचता हूं तो ऑब्वियसली वो कितना होगा 274, ये पॉइंट 274.15 केल्विन। सो केल्विन स्केल में ये जो पॉइंट होगा, चूंकि ये है 273.15, तो ये जो पॉइंट होगा ठीक एक ग्रेजुएशन बाद ये होगा 274.15। अब देखिए टेम्परेचर डिफरेंस, यहां से गौर करें कि मान ले टेम्परेचर ग्रो कर रहा है, ऐसे हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, टेम्परेचर ग्रो कर रहा है, एक बॉडी का टेम्परेचर इतना है। सो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे कि ये 0 डिग्री सेल्सियस में है। मान ले एक बॉडी, ये बॉडी जो है
ये 0 डिग्री सेल्सियस में है, हम क्या कहेंगे, ये 273.15 केल्विन में है इसका टेम्परेचर। अब कुछ देर बाद हमने इसका टेम्परेचर जो बढ़ाया, ये बॉडी जो है 1 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया, केल्विन स्केल में हम क्या कहेंगे 274.15 केल्विन में पहुंच गया। यहां से सेल्सियस स्केल में आप डिफरेंस देखें तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस दिखेगा, केल्विन स्केल में आप डिफरेंस देखें तो 1 केल्विन का डिफरेंस दिखेगा। पिक्चर में यहां पर क्लियर हो जाएगा, यहां पर ये जो टेम्परेचर इतना था, जीरो था, अब वो बढ़ के बढ़ते 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 1 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो देखिए यहां से यहां तक 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, और केल्विन स्केल में भी 1 केल्विन का डिफरेंस है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रेजुएशन है, जो ये वाला ग्रेजुएशन है यहां से लेके यहां तक का, ये जितना होता है सेल्सियस स्केल में उतना ही होता है केल्विन स्केल में भी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और केल्विन स्केल के साथ एसोसिएटेड जो भी कंफ्यूजन है आपका वो क्लियर हो गया होगा। अब अगले वीडियो में हम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। जब एक बॉडी को हीट प्रोवाइड किया जाता है, उसका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो एक्सपैंड करता है, वो बड़ा होता है। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन में दिख जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।